नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में बढ़ते अपराध को लेकर एसएसपी ने सभी थानेदारों के साथ की मीटिंग, कहा हर हाल में क्राइम को करे कंट्रोल। ठंड बढ़ते ही चोरी की घटनाओं में हुई वृद्धि, इंजीनियर के घर लाखों का सामान लेकर चोर हुए फरार। छात्रावास खोलने की मांग को लेकर छात्रों ने कॉलेज में की तालाबंदी, जमकर किया प्रदर्शन। विद्यालय में अव्यवस्था के खिलाफ आपस में भिड़े प्राचार्य और शिक्षिका, जमकर हुआ हंगामा। और पिता के साथ मिलकर पुत्र ने पत्नी और नवसात को गंगा में फेंका, दोनों की हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के द्वारा जिले में बढ़ते अपराध को लेकर अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी थाना प्रभारी सहित सिटी एसपी, एएसपी, डीएसपी ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान थाना स्तर पर हुए अपराधों की समीक्षा की गई, जबकि फरार अपराधियों की गिरफ्तारी सहित पेंडिंग कांडों को जल्द खत्म करने का निर्देश सभी थाना प्रभारियों को एसएसपी द्वारा दिया गया। वहीं थाना स्तर पर गश्ती के दौरान मुस्तैद रहने का निर्देश वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को दिया। इधर रात्रि गश्ती के दौरान और सक्रियता बरतने को लेकर भी कई दिशा निर्देश एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को दिया। के द्वारा क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया था, इसमें शहर के और जिला के सभी थानाध्यक्ष उपस्थित थे, सभी एसडीपीओ, सभी सर्कल इंस्पेक्टर उपस्थित थे और विस्तृत क्राइम की समीक्षा की गई है और जितने भी शाखाएँ होती है पुलिस कार्यालय में उन सभी की विस्तृत समीक्षा की गई है और सभी को निर्देश दिया गया है कि जो भी पेंडेंसी है केस की और अनुसंधान से संबंधित उसको जल्द से जल्द पूरा करें। भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के नफटोलिया में प्राइवेट इंजीनियर राजकिशोर यादव के घर से चोरों ने 5 भर सोना एवं 50,000 रुपए की चोरी कर ली। यह घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जबकि सीसीटीवी फुटेज में चोर अपने चेहरे को पूरी तरह से गमछे से ढके हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे चोर की पहचान नहीं हो पाई है। वीडियो में चोर घर के आगे से ऊपर चढ़कर घर में प्रवेश करते दिखाई दे रहा है, जबकि इस दौरान घर में रखा सोना एवं नगद रुपये लैपटॉप बैग में भरकर चोर आसानी से नीचे उतरकर फरार हो गया। वही ठंड शुरू होते ही चोरी की घटना को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है। इधर बताया जा रहा है कि कुछ दिनों बाद इंजीनियर राजकिशोर यादव के घरों में उनकी लड़की की शादी होने वाली है और उसी को लेकर कैश समेत सोना का जेवरात खरीद कर घर में रखा गया था, लेकिन चोरों ने इस पर हाथ साफ कर लिया। वही सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। छात्रावास को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नवगछिया के महिला इकाई द्वारा मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय में सुबह 9 बजे से तालाबंदी कर दी गई है। साथ ही सभी शिक्षक और कर्मचारी को परिसर के बाहर ही रोक दिया गया, जबकि स्थानीय महिला प्रशासन और छात्रा के बीच हुई नोकझोंक के बाद प्रशासन एवं महाविद्यालय प्रशासन के लिखित आश्वासन मिलने पर 1 बजे ताला खोल दिया गया, जबकि इसको लेकर पुनः नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं छात्र संघ महासचिव आकांक्षा चौधरी ने कहा कि उन सबों ने सभी छात्र संघ पदाधिकारी के साथ विश्वविद्यालय के कुलपति को कई बार आवेदन देकर महाविद्यालय को चालू करने का आग्रह किया, लेकिन अब तक महाविद्यालय चालू नहीं किया गया, जिसके कारण उन्हें महाविद्यालय में तालाबंदी करने का निर्णय लेना पड़ा। इधर अभाविप के विश्वविद्यालय सेवा कार्य प्रमुख सह प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनुज चौरसिया ने बताया कि पूर्व में विद्यार्थी परिषद के माध्यम से महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखित आवेदन दिया गया था, साथ ही कहा कि तय सीमा समय में भी उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे सभी फिर से आंदोलन करेंगे। मौके पर काफी संख्या में छात्र छात्रा मौजूद थे। हम लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि हमारा हॉस्टल जल्द से जल्द चालू हो। 6 साल हो गए हैं हॉस्टल, एक हॉस्टल तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, दूसरा हॉस्टल जो बना है ना तो वो चालू हो रहा है ना तो पूरी तरह से बंद हो रहा है। या तो उसको पूरी तरह से बंद कर दे या तो फिर चालू कर दे। जो छात्राएं दूर से आती है उन्हें कितनी तकलीफ होती है ये आप समझ ही सकते हैं। हम छात्रावास खोलने की मांगे कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, नहीं कोई असर ही नहीं पड़ता, ना यूनिवर्सिटी को पड़ता है ना यहाँ के प्रिंसिपल को। लगता है क्या चला गया इन लोगों के कान में, पता नहीं क्या समस्या है। बहुत सारी समस्या है, पानी की समस्या, ये सारा वाकल का पानी पीना पड़ता है, एक फिल्टर का पानी नहीं लगा सकते हैं, पानी में इतना पैसा आता है, इतना पैसा क्या करता है।
भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड की कुमैठा पंचायत अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कुमैठा में शौचालय सफाई को लेकर प्रधानाध्यापक एवं शिक्षिका में जमकर हंगामा शुरू हो गया और देखते ही देखते हंगामा हाथापाई में तब्दील हो गया। घटना को लेकर प्रधानाध्यापक एवं शिक्षिका एक दूसरे पर आरोप लगाते दिखे। वही प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश झा का कहना है कि बात गाँव निवासी सहायक शिक्षिका रीता कुमारी चक्रवर्ती द्वारा शौचालय सफाई को लेकर गाली गलौज करना शुरू किया गया, जबकि सहायक शिक्षिका रीता कुमारी चक्रवर्ती का कहना है कि शौचालय सफाई नहीं करने को लेकर प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश झा द्वारा कुर्सी फेंक कर मारपीट की गई। मारपीट के दौरान उसके हाथ में चोटें भी आई हैं। वहीं इसकी सूचना स्थानीय पुलिस प्रशासन को दी गई, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को शांत कराया और शिक्षिका को घर भेज दिया। वहीं इस घटना को लेकर स्कूल के छात्राओं ने बताया कि शिक्षिका द्वारा स्कूल में मनमानी किया जाता है, जिसके कारण प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक में मारपीट की नौबत आ गई। इधर इसकी सूचना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रेखा भारती को मिली, जिसके बाद शिक्षिका रीता कुमारी चक्रवर्ती को दूसरे स्कूल में प्रतिनियुक्त करने की बात कही गई, साथ ही घटना की जांच करने की बात कही। बाथरूम साफ सफाई के बारे में बोला गया, बोलने के बाद जो है हेडमास्टर गाली गलौज पर उतर गया, हम तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है जो साफ करवाएंगे, तुम जा करके साफ करवाओ, और उसके बाद जो है कुर्सी उठा करके मारने को। शॉर्ट में वो बता रहे हैं कि वो जब पहुंची रीता कुमारी चक्रवर्ती शिक्षिका जो है, तो वो जो है बोलती है कि अरे तुम काहे ने सहायक जो है शौचालय साफ करवाया है, तक हमको चार दिन आ गया आने से, कैसे हम रहेंगे यहाँ, कैसे हम समय बिताएंगे चार बजे तक। हम कहे कि मलिक को बोले हैं वो आएगा तो हम करवाएंगे, पैसा तो जो है अभी नहीं है सरकार से मिला प्राप्त हुआ है, लेकिन पॉकेट से भी लगा के हम करेंगे, जैसे होगा ऐसे करा भी रहे हैं। तो उसके बाद जो है वो कहा नहीं करवाओगे, बस वो जो सो कुर्सी उठा करके फेंक दिया, जैसे ही फेंका मेरे सिर पे लगा, बस वैसे मैं भी फेंक दिया। उसके बाद बाहर निकला तो चप्पल फेंक दिया मेरे मुड़े पर लग गया। बिहार के शेखपुरा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत इंदाई निवासी आशीष कुमार और झारखंड बोकारो की रहने वाली दिव्या कुमारी के बीच प्रेम प्रसंग के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, जिसके कुछ दिनों बाद दिव्या ने पहले एक बच्ची को जन्म दिया और इसके कुछ समय बाद उससे एक पुत्र हुआ, लेकिन इसके बाद आशीष को अपनी पत्नी और भाई के बीच नाजायज संबंध होने का शक हुआ, जिसके बाद आक्रोशित आशीष ने अपने मन में प्रेमिका से पत्नी बना दिव्या को सबक सिखाने की ठान ली। इसके बाद गिरी हिंडा मोहल्ले निवासी नवल यादव के पुत्र आशीष ने अपने पिता और भांजा के साथ मिलकर अपनी पत्नी को ठिकाने लगाने के लिए वह ऑपरेशन में प्रयोग किए जाने वाले एनेस्थीसिया अपने घर ले आया, जबकि मौका मिलते ही आशीष ने दिव्या और अपने चार माह के दूध मुहे पुत्र को एनेस्थीसिया सुंघाकर किराए की एम्बुलेंस से अपनी पत्नी को इलाज के नाम पर मुंगेर ले गया। बताया जा रहा है कि इसी बीच मुंगेर से खगड़िया जाने वाली ओवरब्रिज के बीच में ही एम्बुलेंस रोककर पिता पुत्र ने दिव्या और उसके चार माह के को गंगा के धार में फेंक दिया। दरअसल इस पूरी घटना का खुलासा दिव्या के पिता द्वारा अपनी पुत्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराने की जांच के बाद हुआ। बताया जा रहा है कि जब पीड़ित माता पिता को अपनी पुत्री का कुछ भी पता नहीं चला तो थक हार कर उन दोनों ने शेखपुरा एसपी कार्तिकेय शर्मा से मुलाकात कर अपनी व्यथा सुनाई। इसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी कार्तिकेय शर्मा ने तुरंत दिव्या के पति और उसके घर वालों के मोबाइल को ट्रैक कर जांच का आदेश टेक्निकल टीम को दिया। वहीं मामले को टेक्निकल टीम द्वारा बारीकी से जांच और तहकीकात के बाद एसपी ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया। एसपी ने बताया कि इस मामले में मृतिका स्वाति का पति आशीष, ससुर झोला छाप डॉक्टर नवल यादव, एम्बुलेंस चालक और एक अन्य व्यक्ति भी शामिल है, जिसमें से आशीष कुमार एवं एम्बुलेंस चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि नवल यादव और एक अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। क्लिनिक है, डॉक्टर साहब है, नवल कुमार डॉक्टर नाम है, उन्हीं का लड़का आशीष कुमार से प्रेम विवाह किया था, लड़की मनीराम के अखाड़ा पर हुआ, शादी का प्रमाण पत्र सब है। लड़के क्या नाम है? लड़की के नाम है दिव्या कुमारी। आप कौन हुए? हम उसका पिता हुए, मनोज कुमार यादव। अभी तक कोई पता नहीं, अभी तक तो पता नहीं चला है कि लड़की मेरा कहाँ है, मेरा नाती कहाँ है, घर आप लोग कहाँ? मेरा घर बोकारो में रहते हैं, बोकारो सेक्टर 6 कमधनो खटाल झारखंड। सतपुरा में कौन रहते हैं? सतपुरा में मेरा कोई नहीं है, सतपुरा में तो आए उन्हीं के पास। हाँ, डायरेक्ट लड़की खोजने आया, वो पता चला था हम लोग आए, अपना भाई सब परिवार साथ में आए, सब तो पूरे परिवार के पास भी खोज लिए हैं, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं, पूरा परिवार का सबरों पता कर लिए, कहूँ मेरा बच्ची का कोई पता नहीं चल रहा। क्या लग रहा है, ससुराल वालों द्वारा ही कुछ किया गया है तो लग रहा है, या तो मार दिया या गायब के लिए, शक लग रहा है। अब तो बारताज भर तो खोजने के बाद ही पता चलेगा। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। We'll be right back.
कुछ दिन घर के बाहर घर जैसा एहसास चाहिए तो चिंता क्या है। पिछले 20 साल से होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड आपकी सेवा में है। यहाँ स्टैंडर्ड प्रीमियम और क्लासिक रूम्स विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स और साथ ही इंडियन कॉन्टिनेंटल और चाइनीज खाने का लुत्फ उठाएं हमारे मिनर्वा रेस्टोरेंट में। कोई भी समारोह या कॉन्फ्रेंस के लिए बैंक्वेट हॉल की भी सुविधाएं उपलब्ध है, तो जरूर आए होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, मल्लागुड़ी, सिलीगुड़ी। होटल अपोलो, हियर एवरी क्यूबिक स्पेस इज अ मिरेकल। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समाज में जाति प्रथा को लेकर तरह तरह की बात सामने आती है और सरकार भी जाति प्रथा को समाप्त करने को लेकर तरह तरह के अभियान भी चलाती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता जाति के नाम पर आज के दौर में भी नहीं बदली है। ताज़ा मामला भागलपुर के बड़ी खंजरपुर का है, जहाँ एक महादलित समुदाय के लोगों को जाति के नाम पर पानी भरने से रोका गया। मामले को लेकर महादलित समाज के लोगों का कहना है कि वे लोग लंबे अरसे से खंजरपुर इलाके में रह रहे हैं और वहाँ के स्थानीय लोग उन्हें अछूत कहकर पानी भरने से मना करते हैं, जिसको लेकर वे लोग सोमवार को SC/ST थाने में आरोपी पक्ष के खिलाफ केस दर्ज कराने पहुंचे। वहीं इसको लेकर पीड़ित महादलित समाज के लोगों का कहना है कि सभी इंसान सामान्य हैं और हर किसी को जीवन जीने का मौलिक अधिकार है। साथ ही कहा कि उन लोगों ने पुलिस प्रशासन से मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। और बाप दादा उसी कल से पानी पिया सर, कभी किसी का इतराज़ नहीं हुआ, लेकिन अभी कभी लाल यादव दुर्गा पूजा में ही कल को बंद कर दिया। अब बोला कि छठ में खोलेंगे, लेकिन हम लोग आग्रह किए कि छठ में पर्व का समय है, कल वहाँ खोल दीजिए, पानी का दिक्कत होता है। लेकिन वो लोग जो है नहीं खोला और कल को तोड़ दिया। कौन लोग तोड़ दिया? कभी लाल यादव और नकुल यादव, पिंटू भारती, ये सब। हाँ, क्या बोलता है? बोलता है कि यहाँ पे पानी नहीं भरने देंगे, छुआछूत होता है, तुम लोग आते हो सुबह सुबह कपड़ा खींचते हो, बर्तन मिसते हो या करते हो करते हो, पानी रोड पर गिरता है। और हम लोग जब कल फिर तोड़ दिया सर, जोड़ने के लिए गए हैं तो वो लोग मारपीट किया है। देखिए चुन्नू पासवान को सर हाथ छचरा गया, कौन टाँग छचरे लगे यहाँ, देखिए सर छचरा गया। जब रात में हम छोटा जात कह के कुछ बोल, हाँ छोटा जात छुआछूत मानता है सर हम लोग से, पासवान है ज़्यादा, सब छूत मानता है कि पानी नहीं भरने देंगे यहाँ पे, जिसको बुलाना है बुला, नहीं लेने देंगे यहाँ। तुम लोग झोपड़ी में रहता है पहले, वहीं पानी भरते, हाँ सब दिन वहीं, जब से हम लोग आए हैं तो पानी वहीं भरते हैं सर, अभी नहीं जोड़ने देता है। छोटा जात करके, हाँ, पानी नहीं भरने, छोटा जात करके हम लोग पासवान है। CSE ई गवर्नेंस की ओर से सोमवार को भागलपुर के सभी CSE संचालक के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत CSE पोर्टल पर उपलब्ध सभी सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 200 की संख्या में CSE संचालकों को ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान मुख्य रूप से CSE हेड ऑफिस के जोनल प्रमुख विकास कुमार, कुमार गौरव CSE डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, मोहम्मद शम्स तब्रेज, राहुल कुमार और मोहम्मद नाहिद अख्तर ने कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। जबकि कार्यक्रम में मुख्य ट्रेनर के रूप में कई कंपनी के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। वही प्रशिक्षण कार्यक्रम में HDFC, LIC, बजाज, एलियांस, विद्याकुल, आयुष्मान विभाग से आई ट्रेनर से CSE के उद्यमियों का मार्गदर्शन करते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी दिया। मौके पर CSE ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अभय शर्मा, अमन विकास, गौरव कुमार वर्मा समेत काफी संख्या में CSE संचालक मौजूद रहे। CSE गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की ओर से आज की ये कार्यशाला रखी गई है CSE के VLE के लिए, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर होते हैं हमारे, जो कि सारे ग्राम पंचायत में, जिला के सारे ग्राम पंचायत में कोई ना कोई हमारा एंटरप्रेन्योर होता है, जो CSE की सर्विसेज को ग्राम पंचायत में इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। सरकार की जो भी डिजिटल सेवाएँ हैं या गैर सरकारी डिजिटल सेवाएँ हैं, वो सभी CSE के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में इम्प्लीमेंट की जाती है। इसमें हमारे VLE का काफ़ी रोल होता है। उन्हीं की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक ट्रेनिंग सेशन वर्कशॉप के रूप में आज यहाँ पे रखा गया है, और जिससे कि VLE को लाभान्वित होने में मदद मिलेगी। भागलपुर के मंदरोजा स्थित होटल में बैंक ऑफ इंडिया भागलपुर अंचल कार्यालय की ओर से बैंक के महाप्रबंधक कृष कुमार सिंह की मौजूदगी में 12 जिले के प्रबंधकों के साथ बिजनेस रिव्यू मीट का आयोजन हुआ। इस दौरान GM कृष कुमार सिंह और आंचलिक प्रबंधक राजेश कुमार ने सभी ब्रांच हेड और पदाधिकारियों को जरूरी दिशा
दिशा निर्देश देते हुए व्यवसाय को और बेहतर करने के साथ ग्राहकों की सुविधा का ख्याल रखने की बात कही। वहीं इसके बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैंक द्वारा ग्राहकों के लिए चलाई जाने वाली लोन योजना रिकवरी एनपीए लोन सेटलमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट वन टाइम सेटलमेंट और ग्राहकों के हित में किए जाने वाले पहल की जानकारी विस्तार पूर्वक दी। जीएम गिरीश कुमार सिंह ने कहा कि किसी भी लोन के लिए ग्राहकों का सिविल अच्छा होना जरूरी है और अक्सर बैंक गारंटर को भी इसका खामियाजा चुकाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि लोन लेने वाले के साथ उसका गारंटर भी लोन वापस नहीं देने पर उतना ही जिम्मेदार होता है जितना कि लोन लेने वाला ग्राहक डिफाल्टर होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि बैंक द्वारा आसान तरीके से लोन मुहैया कराया जाता है और भागलपुर जोन ने बेहतर व्यवसाय किया है जिसके लिए सभी अधिकारी बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा जोनल मैनेजर राजेश कुमार ने कहा कि व्यापार ऋण गृह ऋण वाहन ऋण एफडी समेत कई तरह के ऋण जरूरतमंद छोटे व्यापारी और व्यवसायियों को मुहैया कराकर भागलपुर समेत देश को आर्थिक रूप से मजबूती देना ही उनका उद्देश्य है। साथ ही एमएसएमई को भी बढ़ावा देने की बात कही। मौके पर उप आंचलिक प्रबंधक विनीता विपनम प्रबंधक अहमद हसन प्रणब श्री समेत जोनल कार्यालय और विभिन्न शाखा के प्रबंधक मौजूद रहे। और तीसरा तिमाही का एक माह तो फेस्टिव सीजन में चला गया दशहरा दीपावली एवं छठ, इसलिए हाई टाइम था कि सारे मैनेजर्स को बैंक के कॉरपोरेट कंसर्न्स के बारे में अवगत कराया जाए। अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट आया है 3 तारीख को, आपने देखा होगा। तो उस रिजल्ट में टॉप मैनेजमेंट की अपने जोन से क्या अपेक्षाएं हैं, इसीलिए ये मीटिंग आज बुलाई गई है सारे मैनेजर्स की। और इसमें हम रैम डिसबर्समेंट के बारे में फोकस कर रहे हैं, रिटेल एग्रीकल्चर और एमएसएमई का। साथ ही हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को और कैसे इन्हांस किया जाए, 3300 करोड़ का भी बैंक का प्रॉफिट हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसको और कैसे इन्हांस किया जाए, इसके लिए हम रिकवरी पे जोर दे रहे हैं, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स पे जोर दे रहे हैं और साथ ही साथ कासा बढ़ाने पे जोर दे रहे हैं। मार्च तक का बजट था वो सितंबर में अचीव कर लिया है, इससे आप समझ सकते हैं कि हम लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर काम किया है। ये मतलब पूरे हिंदुस्तान में जितने हमारे जोन है उसमें 4 जोन है जो ऐसा कर चुके हैं, भागलपुर एक है। तो बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, बहुत तेजी से हम लोग लोन दे रहे हैं और इसमें कोई चक्कर लगाने वाली बात नहीं है। जो सिविल अच्छा है, जिसका फाइनेंशियल्स अच्छा है और जिसमें सिक्योरिटी बैंक के मुताबिक मिल रही है, उसमें एकदम बहुत ही कम समय में उसका सैंक्शन हो रहा है और ये बड़े पैमाने पर हो रहा है। बिहार पेंशनर समाज की ओर से भागलपुर के नाथनगर पेंशनर समाज कार्यालय में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। इस दौरान जिनके प्रावधान में कई चर्चाएं हुई, संस्था के सचिव उमेश प्रसाद ने प्रतिवेदन पढ़कर सुनाया, जबकि महेंद्र वर्मा ने साल भर का लेखा जोखा सभी पदाधिकारियों और सदस्यों के समक्ष रखा, जिसके बाद नए अधिकारियों का चुनाव भी कराया गया, जिसमें केपी सिंह अध्यक्ष, उमेश प्रसाद उपाध्यक्ष, सुभाष चंद्र सिंह सचिव और महेंद्र प्रसाद वर्मा कोषाध्यक्ष चुने गए, जबकि इसके अलावा कार्यकारिणी सदस्य के रूप में कई लोगों का चयन किया गया। मौके पर यतीन्द्र नारायण आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सीवी सिंह, भागलपुर बिहार पेंशनर समाज के अध्यक्ष प्रदीप और समाज सेवक विजय कुमार यादव समेत पेंशनर समाज के कई अधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। मैं उमेश प्रसाद सचिव पेंशन समाज से हूँ। आज का कार्यक्रम है जो साल में एक बार होती है और 3 साल पर चुनाव होता है, वही आज चुनाव का कार्यक्रम है। नाथनगर घोसी टोला स्थित राम जानकी ठाकुर बाड़ी मंदिर प्रांगण में बालिका सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बालिका संरक्षण के अध्यक्ष नीलू देवी ने किया। इस दौरान अपने संबोधन में नीलू देवी ने कहा कि बालिका को आगे बढ़ाने और उसके उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है और इसे सफल बनाने के लिए सभी को सामूहिक रूप से जागरूकता के लिए प्रयास करना होगा। वहीं कार्यक्रम में बालिकाओं को जागरूक करने के लिए सम्मान देकर पुरस्कृत किया गया, जिसके बाद छात्रा अनिशा कुमारी ने कहा कि हमारे समाज में बालिका सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिससे लड़कियों को उत्साह बढ़ेगा और इससे प्रेरित होकर समाज में लड़कियां आगे बढ़कर हर क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल कर सकेंगी। इधर महिला शांति दूत प्रमुख नीलम देवी ने कहा कि संस्था द्वारा लड़कियों और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर कदम उठाया जा रहा है जिससे हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़े और इन्हें पहले की तरह बोझ नहीं समझा जाए। साथ ही कहा कि आज देश की प्रथम नागरिक और सबसे बड़े पद पर राष्ट्रपति के रूप में एक महिला आसीन है, जो गर्व की बात है। नमस्कार, आज का प्रोग्राम है सम्मान समारोह, जिसकी अध्यक्ष बालिका सम्मान समारोह, जिसकी अध्यक्ष है नीलू देवी। आज हमारे समाज में नारी को बढ़ाने के लिए यह एक पहला कदम है, जिसके लिए हमारे घोसी टोला की एक महिला नीलू देवी, उन्होंने पहला कदम उठाया है।
आज मेरा एक कहानी था जिसका नाम था जीवन साथी, उसमें यह बताया गया है कि शराब को हम लोगों को जो है छोड़ना चाहिए और आसपास जो भी शराब पिए उन्हें कम से कम समझाना चाहिए कि इसके कारण आपका तो जीवन बर्बाद हो ही रहा है, साथ में आपके परिवार का भी जीवन बर्बाद हो रहा है। यह जो प्रोग्राम अभी हुआ, दीपक जलाया गया दीपोत्सव, और ये जो लड़की लोग है, बालिका लोग, महिलाओं को आगे बढ़ाने का कि हर एक क्षेत्र में महिलाओं का जिस तरह भागीदारी बढ़ रहा है और इसी तरह से महिलाओं का भागीदारी बढ़ते रहे। जैसे लोग पहले लड़की के जन्म पर बोझ समझते थे, लेकिन अभी तो बहुत बदलाव आया है। कटिहार के बलरामपुर थाना के तेलता ओपी क्षेत्र अंतर्गत एक भाजपा नेता के घर में घुसकर ज्ञात अपराधी ने भाजपा नेता और पूर्व जिला पार्षद संजीव मिश्रा को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत मौके पर ही हो गई। इसको लेकर लोगों का कहना है कि संजीव मिश्रा काफी मिलनसार और क्षेत्र में लोकप्रिय नेता थे, लेकिन यही बात इनके विरोधियों को नहीं भाया और राजनीतिक रंजिश में अज्ञात बाइक सवार दो अपराधियों ने उनकी हत्या सिर में गोली मारकर कर दी। बताया जा रहा है कि एक साल पूर्व भी संजीव मिश्रा पर जानलेवा हमला हुआ था, जब अपराधियों ने उनके सीने में गोली मारी थी, लेकिन इस हमले में वे बाल बाल बच गए थे। इधर विधान पार्षद अशोक अग्रवाल के बेहद करीबी माने जाने वाले संजीव मिश्रा की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छानबीन में जुट गई है, जबकि कई बिंदुओं पर गहन जांच भी की जा रही है। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में बढ़ते अपराध को लेकर एसएसपी ने सभी थानेदारों के साथ की मीटिंग, कहा हर हाल में क्राइम को करे कंट्रोल। ठंड बढ़ते ही चोरी की घटनाओं में हुई वृद्धि, इंजीनियर के घर लाखों का सामान लेकर चोर हुए फरार। छात्रावास खोलने की मांग को लेकर छात्रों ने कॉलेज में की तालाबंदी, जमकर किया प्रदर्शन। विद्यालय में अव्यवस्था के खिलाफ आपस में भिड़े प्राचार्य और शिक्षिका, जमकर हुआ हंगामा। और पिता के साथ मिलकर पुत्र ने पत्नी और नवसात को गंगा में फेंका, दोनों की हुई मौत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।